नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल गपशप पे। तेल ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया, सिर्फ मिडिल क्लास का नहीं, गवर्नमेंट का भी। चलिए आज समझते हैं इस बिगड़े हुए तेल के खेल के बारे में। पेट्रोल और डीजल के महंगे होने का एक प्रमुख कारण ये है कि डॉलर का भाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है और उसके मुकाबले रुपया बहुत कमज़ोर हो गया है। रुपये के कमज़ोर होने के कारण हमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है पेट्रोल खरीदने के लिए। लेकिन बात तो यह है कि गवर्नमेंट जो ये ज़्यादा टैक्स वसूल रही है हमसे इस पेट्रोल और डीजल के नाम पे, आखिर क्यों नहीं गवर्नमेंट ये जो फायदे हैं, बेनिफिट्स डायरेक्टली मिडिल क्लास को पास ऑन करती, कंज्यूमर को क्यों नहीं पास ऑन करती है, वो इतना टैक्स क्यों लगा रही है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट के एंगल से। अगर आपने पिछले 1 सालों में देखा होगा, जब से ये कोरोना महामारी आई है तब से गवर्नमेंट के खर्चे बढ़े हैं और कमाई घट गई है, क्योंकि पिछले साल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके कारण सारे सारे दुकानदार, सारे दुकान, सारी संस्थाएं बंद थी, जिसके कारण गवर्नमेंट की आमदनी उतनी हो नहीं पाई और गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स लगाना पड़ा। लेकिन गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ी कहाँ? अगर आपने देखा होगा, पिछले साल प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना के समय पे गरीबों को मुफ्त में अनाज की घोषणा की थी, वहीं उन्होंने मुफ्त सिलेंडर की घोषणा की, वहीं उन्होंने जनधन अकाउंट में लेडीज़ों को 500 रुपये पहुँचाए, और ये डायरेक्ट बेनिफिट मिडिल क्लास को मिला और पुअर क्लास को मिला। उसके बाद गवर्नमेंट ने लगभग टोटल 20 लाख करोड़ का एक आर्थिक पैकेज लाया, जिससे कि वो ऋण दे सकती है छोटे मझोले उद्योगों को, ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार पुनः वापस पटरी पर आ सके। और इसके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, कुछ ज़्यादा ही पैसा। तो गवर्नमेंट ने यह बढ़ा हुआ पेट्रोल डीजल का टैक्स हमें कोरोना के समय पर लड़ने के लिए और आर्थिक सुधारों के लिए लगाया, जिसमें अगर आपने इस बजट एलोकेशन में देखा हो, 50,000 करोड़ का फ्री वैक्सीन टू ऑल। ये वैक्सीन का पैसा आता कहाँ से? ये 50,000 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से, जो कि पिछले बजट में नहीं थे और इस बजट में नया है, ये एड ऑन है। तो ये 50,000 करोड़ गवर्नमेंट को मिलेंगे कहाँ से? सिंपल सी बात है ना, हमसे ही मिलने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने तेल के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ा दिए, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी बहुत सारे खर्चे किए हैं, उसके लिए भी उन्हें पैसा चाहिए। गवर्नमेंट ने, अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल में, जब से ये कोरोना चाइना का समस्या उत्पन्न हुई, पिछले साल जून के महीने में जब ये चाइना की समस्या उत्पन्न हुई, उस समय उन्होंने आपातकालीन खर्चा किया और 30,000, लगभग 30,000 करोड़ के सौदे रशिया से जाकर राजनाथ सिंह जी कर आए थे। ये सारे खर्चे, ये सारे बढ़ते हुए खर्चे को गवर्नमेंट इस बढ़े हुए टैक्स से करना चाह रही है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स ऑल टाइम हाई पे हैं, गवर्नमेंट चाहे तो उसे बेचकर कुछ पैसा ला सकती है और अपनी डेट को कम कर सकती है। इस चालू वित्तीय वर्ष में हमने अपना डेफिसिट 9% के आसपास रखा है, जो कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का टारगेट है 3.5, क्योंकि एक अच्छा देश, एक विकासशील देश वही होता है जो अपने खर्चे को अपने आमदनी के बहुत पास रखे। जैसा कि अगर कोई देश 100 रुपये कमाता है तो सिर्फ 103 रुपये या 104 रुपये का खर्चा हो सके, तो उसे सिर्फ उधार लेना पड़े 3 या 4 रुपए का। और जो ये सरकार कर रही थी, जो इसका टारगेट था 3.2 3.1 पे लाने का, किंतु कोरोना की महामारी और उसके चैलेंजेस को देखते हुए इस सरकार ने अपने वित्तीय घाटे को बढ़ा दिया, ताकि कुछ पैसे बोरो किया जा सके और उसे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लगाया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम सिर्फ ऐसा काम नहीं है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है उससे लोगों की आमदनी होती है, उससे लोगों को जॉब मिलता है। और क्योंकि जॉब की एक प्रमुख समस्या उत्पन्न हुई थी हमारे देश में जब कोरोना ने दस्तक दी थी, तो गवर्नमेंट ने उसको एड्रेस करने के लिए उसने किसी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, भारतमाला प्रोजेक्ट, सागर नेट प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट्स, आपने देखा होगा 39 किलोमीटर्स पर डे का रोड कंस्ट्रक्शन होना, और अगर रोड कंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें लोगों को जॉब भी मिलेगी। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने अपने डेट को बढ़ा दिया, 9% के आसपास लेकर चले आए। लेकिन इसी समय कोरोना की दूसरी महामारी आ गई, और इसी बजट में गवर्नमेंट ने पहले मार्च में 3 रुपये पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाया और फिर मई में जाकर लगभग 10 और 13 रुपये बढ़ा दिया। लेकिन हमें ये समझने की बात होगी कि इस कोरोना के महामारी में क्या कोरोना सिर्फ एक साइड इफेक्ट डालता है? जी नहीं, कोरोना ने अर्थव्यवस्था को नचोरा है, झकझोरा है, और इससे लड़ने के लिए इसका प्रभाव हम सब पे पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट हमें कुछ सुविधाएं दे रही हैं तो उसका भी, उसके उस सुविधाओं के लिए जो पैसा चाहिए वो हमसे ही लेगी,
और वो जो इनडायरेक्ट टैक्स जो पेट्रोल डीजल आता है वो उसमें शामिल है। लेकिन अगर आपने गौर किया होगा, जब भी गवर्नमेंट ने भले ही टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन उस लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो पिछले कोरोना 1 में भी थी और कोरोना 2 में भी थी, लोगों ने वाहनों से आना जाना कम कर दिया, वाहनों का चालन परिचालन कम हो गया। टैक्स तो बढ़ा रहा लेकिन गवर्नमेंट को उतनी कमाई नहीं हुई, जिसके कारण दूसरी बार सरकार ने और भी ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए ताकि पैसे मिल सके। लेकिन इससे होगा क्या? ये हम सबको दिखता है कि गवर्नमेंट ने कुछ नेक हित में ही काम किया है, लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान का जब वो पेट्रोल पंप पे जाकर पेट्रोल भरवाता है तो उसे सिर्फ वो 100 रुपये नहीं दिखते पर लीटर, वही पेट्रोल एक दूध वाले की गाड़ी या एक सब्जी एक फल की गाड़ी भी भरवाती है, और उसके कारण हमारी फल हमारी सब्जियां हमारे दूध महंगे हो जाते हैं, जिसके कारण महंगाई बढ़ जाती है। तो क्या गवर्नमेंट सिर्फ पैसे और सुविधाएं देने के लिए क्या मिडिल क्लास को ऐसे सफर होने दे सकती है? आज अमूल्य दूध के दाम बढ़ा दिए, क्या गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ सुविधाओं के नाम पर इतना टैक्स हमसे वसूल कर सकती है? क्या उसे करना चाहिए? बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन, जब हमारे थालियों पर उसका असर पड़ता है तो हमें प्रत्यक्ष ये दिखाई देता है कि वो हमें आघात कर रहा है, और ऐसे में चाहिए कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा कट लेकर फौरी राहत एटलीस्ट मिडिल क्लास पर्सन को देनी चाहिए। मिडिल क्लास पर्सन जो डायरेक्ट टैक्स भी पे करता है और इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करता है, उससे इतनी रिलीफ तो उम्मीद की जा सकती है इस गवर्नमेंट से कि हमारी सरकार मिडिल क्लास की सुने। लेकिन क्या पेट्रोल और डीजल का टैक्स का बढ़ना सिर्फ कोरोना के कारण है? 2008 में जब डीजल पेट्रोल का दाम $100 पर बैरल हो गया था, उस समय रेगुलेट करने के लिए कांग्रेस की मिलीजुली सरकार यानी कि यूपीए ने ऑयल बॉन्ड इशू किया। ऑयल बॉन्ड है क्या? ऑयल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है ऑयल के प्राइसेस रेगुलेट करने के लिए, जो पैसा केंद्र को मींस यूपीए सरकार को ऑयल कंपनियों को पास ऑन करना था, उन्होंने वो पैसा कैश में ना देकर एक बॉन्ड में दे दिया, और उस बॉन्ड जो कि लगभग 10 या 12 या 15 सालों का होता है, वो 2018 से अब उसका भुगतान इस प्रेजेंट की मोदी सरकार को करना है। और ये पैसा छोटी मोटी रकम नहीं है, लगभग 2 लाख करोड़ की है। और आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी का वो फेमस डायलॉग कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो हम आज बॉन्ड ले रहे हैं, जो जो आज हम ये बॉन्ड इशू कर रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं, ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए है, हम कर्ज देकर जा रहे हैं। और उन्हें पता था शायद वो लौट कर वापस ना आए, और हमारे महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी ने 2 लाख करोड़ का बॉन्ड ले लिया, और जिसको जिसका भुगतान इस सरकार को करना है। अभी तक लगभग 5 से 10 हज़ार करोड़ का भुगतान इस सरकार ने कर दिया है, लेकिन अभी भी उन्हें 1,30,000 करोड़ प्लस इंटरेस्ट उन्हें पे करना है ऑयल कंपनियों को। क्या ये ऑयल बॉन्ड का भुगतान भी एक कारक है जिसके कारण ये गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम किए जाए? क्या ये अभी की सरकार को भी यही करना चाहिए? जो सब महान वक्ता लिबरल्स ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए, तो क्या वो ये भी यही चाहते हैं कि आज की मोदी सरकार भी ऐसे ही कुछ ऑयल बॉन्ड लाए और कर्ज छोड़ दे हमारे आने वाले जनरेशन के लिए? जी नहीं, लगता है ये मोदी सरकार कुछ मानकों पे दृढ़ संकल्पित है और ये कर्जा उतारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट से एक फौरी तौर पे ये राहत तो एक्सपेक्ट की ही जा सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर सामने आए और एक रेट कट करें, क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा 2018 के आसपास जब लगभग पेट्रोल का कीमत 90 रुपये के पास जा रहा था, तब सेंटर ने कट किया और बीजेपी शासित राज्यों ने भी कट किया, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों ने वो रेट कट नहीं किया। तो हमें चाहिए कि एक रेट कट जो सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर, क्योंकि अगर पेट्रोल पे एक स्टेट 37 रुपये का सेंट्रल टैक्स लेता है सेंट्रल, तो 17 रुपये का स्टेट टैक्स भी लेता है, तो क्यों ना दोनों ही मिलकर एक ऐसा इक्वेशन लेकर आए, एक ऐसा फॉर्मूला लेकर आए जिसके थ्रू एक रेट कट किया जा सके ताकि एक फौरी राहत लोगों को मिल सके। और ये सिर्फ सेंट्रल से उम्मीद नहीं है, हमें ये उम्मीद ये भी है कि स्टेट जो मुख्यमंत्री हैं, जो जनता के बीच में जाते हैं, वोट मांग कर जीत कर आते हैं कि जनता की हम सहायता करेंगे, तो क्या जब ये वो 17% या 20% या 22% का टैक्स वसूलते हैं, तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी भी नहीं कि वो अपने स्टेट का टैक्स कम करे? क्या वो सिर्फ सेंटर से एक्सपेक्ट करे कि सेंटर वो टैक्स को कम करे?
अब स्टेट वो खुद ना करे, जैसे स्टेट्स के भी बहुत सारे स्कीम्स हैं और जहाँ स्टेट्स को भी बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, वैसे सेंटर को भी बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि सिर्फ सेंटर ही रेट कट करे, ये शायद पासिंग द बक हो जाएगा। तो इसके लिए चाहिए कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर आए और एक रेट कट करे, ताकि जो प्रभावी दिखे, जो दिखे कि हाँ कुछ राहत मिली। ऑयल बॉन्ड्स कर्जा देना है और वो शायद देना पड़ेगा, और वो देना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए राहत में कंजूसी नहीं की है, एटलीस्ट अभी तो कुछ फौरी राहत दी ही जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब पॉलिटिकल गपशप। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एनालिसिस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।